चलो जय हिंद। अब देखो अब आवाज आ रही क्या सही से? चलो जुड़ जाओ फटाफट स्पीड से। हाँ ना, चलो आ जाओ फटाफट। चलो स्टार्ट करें। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करें क्या? रैंकिंग। तो फटाफट स्पीड से आ जाओ फटाफट। तीन ही लोग आए हैं अभी तक। अब देखो अब आवाज आ रही क्या सही से? अच्छे से आवाज आ रही है अब? आ जाओ जल्दी जल्दी। यस यस ठीक है ठीक है। हाँ वही। हाँ ठीक है, आ रही है ना आवाज अब? ओके 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 चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या? रैंकिंग है ना। रैंकिंग अभी हमने पढ़ा क्या? सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कुछ लोगों के बैठने की व्यवस्था को हमने पढ़ा था। अब हमको पढ़ना है क्या? रैंकिंग। तो ध्यान रहे, रैंकिंग में हमको क्या, रैंकिंग से क्या तात्पर्य, रैंकिंग से हम क्या समझेंगे? तो रैंकिंग के अंदर कुछ लोगों के समूह में है ना, कुछ लोगों का क्या देगा? समूह देगा। उस समूह के अंदर आपको किसी व्यक्ति का ऊपर से स्थान बताना है, नीचे भले पंक्ति या क्या बोल सकते हैं, कॉलम है ना, ठीक है। उसमें हमको क्या करना है? ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान, दाएं भाग से स्थान, दाएं भाग से स्थान, बाएं भाग से स्थान, लेफ्ट से राइट से आपको क्या स्थान बताना है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा? कुछ लोगों के, देखो यहाँ पर क्या देगा? कुछ लोगों का दाएं से बाएं से लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे से स्थान देगा। और आपको क्या करना है? कुछ लोगों या जितने भी लोग वहां पर दिए हैं उनकी क्या संख्या बताना है आपको, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, है ना। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्या? स्टार्ट कर रहे हैं क्या हम रैंकिंग? क्या स्टार्ट कर रहे हैं? तो स्टार्ट कर रहे हैं क्या? रैंकिंग। और रैंकिंग का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया। रैंकिंग का जो मीनिंग है वो क्या है कि यहाँ पर कुछ लोगों के हमको क्या स्थान बताना, ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान, दाएं भाग से स्थान, बाएं भाग से स्थान, या कुछ लोगों के टोटल लोग उस पंक्ति में या उस कॉलम में कितने लोग हैं वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो स्टार्ट कर दे क्या? फटाफट बोलो हाँ या ना, है ना। स्टार्ट करें रैंकिंग। हाँ या ना, चलो सुन, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो रैंकिंग का मतलब हम समझे। पढ़ना मेन है हमको क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पर कैसे कैसे दिए हैं, है ना, उनको हमको लेके चलना है। ठीक। चलो बढ़िया। हाँ तो अब थोड़ा समझते जाओ, पढ़ते जाओ, उसके बाद सिंपल सा चैप्टर, कोई यार टफ नहीं है। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ चीजों को लेकर के चलना है, सिंपल सा है ना। मैं दो दो तीन तीन आपको उसके वो बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन को क्या दिया? 72 छात्रों के समूह में, यानी 72 छात्रों का एक समूह है, यानी ग्रुप है। उसमें आकाश का स्थान नीचे से 42वां है ना। नीचे से कौन सा? 42वां, यानी 42 वाला स्थान है। तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो तो टोटल यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो टोटल स्टूडेंट कितना है यहाँ पर? 72, यानी 72 छात्र है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके? तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 72 स्टूडेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला है कि आकाश का स्थान नीचे से 42वां, यानी ये नीचे से कौन सा स्थान है इसका? 42वां। मान लो कि यहाँ पर कहीं पर स्थान मैंने दे दिया इसका, कि नीचे से इसका स्थान कौन सा है? 42। देखो टोटल स्टूडेंट कितने? टोटल स्टूडेंट कितना? 72। नीचे से ये आकाश का स्थान नीचे से कौन सा है? तो नीचे से इसका स्थान कौन सा है? 42वां स्थान है। तो हमको ऊपर से किसका, उसका स्थान बताइए। उस आकाश का स्थान कहां से बताना? ऊपर से। देखो दो तीन तरीके सब बता रहा हूं। देखो यहां से यहां तक अगर आप पढ़ो तो यहां से यहां तक ये टोटल स्टूडेंट कितना, आकाश का कितना है? 42। हमको ऊपर से आकाश का स्थान बताना। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 72। इस 72 में हमको अगर आकाश का स्थान ऊपर से बताना, मुझे बताओ आकाश के नीचे कितने लोग बैठे हैं? तो आकाश का स्थान नीचे से 42वां, यानी
उसके नीचे कितने 41 लोग बैठे, कितने 41 लोग बैठे, तो 41 को क्या कर दो यहां से माइनस कर दो, तो दो में से एक गया तो एक बचेगा, सात में चार गया कितना बचा तीन, यानी उसका स्थान कौन सा है, तो उसका स्थान कौन सा 31वां स्थान है 31 वाला, ऊपर से उसका स्थान कौन सा होगा तो 31वां। फिर देख लो एक बार, देखो टोटल स्टूडेंट कितने 72। एक तरीका तो ये आप अपना सकते हो, अगला अगर ये नहीं करना है तो एक और मैं बता रहा हूं जो आप वही करना हमेशा। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल यहां पर स्टूडेंट कितने हैं 72 स्टूडेंट हैं। अब नीचे से आकाश का स्थान कौन सा बोला है 42 वाला, कौन सा बोला है 42, या तो ये कर लो या एक और बता। देखो ये फिर बता रहा हूं एक बार, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 72, नीचे से आकाश का स्थान यहां तक कौन सा 42 यानी 42 वाला, हमको इसके ऊपर के लोग बताने, मतलब इसके ऊपर वाले और इसको स्वयं को ही बताना, तो इसके नीचे कितने बैठे यहां से यहां तक लोग कितने बैठे 41, क्योंकि आकाश का स्थान तो हमको बताना, आकाश को तो जोड़ना है ऊपर से, तो नीचे वाले घटा दो 41 घटा कितना 31, या तो ऐसे कर सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, या तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं करना है तो भी ये वाला तरीका अपनाओ, हमेशा यही अपना। देखो तो टोटल स्टूडेंट 72 है, उसमें 42 बोले तो 42 यहां से माइनस कर दो, देखो 72 में से कितने 42 को माइनस करा तो बचे कितने यहां पर 30, कितने बचे 30। अब यहां समझना, टोटल स्टूडेंट 72 में से मैंने आकाश को भी मैंने यहां से क्या कर दिया माइनस, तो लेकिन मुझे क्या करना आकाश का तो स्थान बताना है ना, तो फिर से क्या कर दो यहां पर प्लस वन, यानी कितना हो गया तो 31, यानी आकाश का स्थान ऊपर से कौन सा 31वां है, इसलिए टोटल 72 में से 42 गया तो बचा कितना 30, तो मैंने आकाश को भी माइनस कर दिया, तो आकाश को फिर से प्लस कर दो, प्लस क्या कर दो हमेशा 1, तो कितना आ जाएगा यहां पर 31वां स्थान, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन अगला भी देखो, है ना, उसके बाद बनाते देखो, ये क्लियर है क्या इसके पहले वाला आकाश वाला। देख रहा हूं वैसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं है इसमें। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले देखो क्या बोला है, पढ़ो एक बार, कि 83 बच्चों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है तो नीचे से उसका क्रम क्या है। हाँ इसको पढ़ो, कोई समझ, देखो हमको क्या बोला टोटल स्टूडेंट कितने, तो टोटल यहां पर स्टूडेंट कितने 83, देखो समझो यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं 83, तो ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं 83 स्टूडेंट हैं। 83 बच्चों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से ऊपर से कौन सा 14, तो ऊपर से इसका स्थान कहां, यहां पर कहीं पर, तो ऊपर से कौन सा स्थान है इसका 14वां स्थान है, किसका है ये विजय का। अब समझो देखो ऊपर से इसका स्थान कितना है 14, हमको क्या बताना नीचे से उसका क्रम बताना है, नीचे से उसका स्थान बताना है, कुछ मत करो, इस 83 में से 83 में से किसको 14 घटा दो, तो देखो 14 घटाया तो 13 में से 4 गया कितना बचा यहां पर 9, और 8 में से सॉरी 13 में से 4 गया 9 बचा, और 8 में से यहां कितना गया 2, तो कितना बचा 6, यानी कितना है 69, कितना आया 69, लेकिन ये इसका आंसर यहां पर नहीं होगा, तो देखो क्या होगा 69, ना बाबा ना, समझ नहीं रहे हो तुम उस चीज को। अब देखो रुक जाओ थोड़े से, आंसर में बताओ, मैं बता रहा हूं उसको समझो पहले। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट यहां पर कितने भैया 83 हैं, तो 83 ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने 83 हैं। अब इसका विजय का स्थान यहां ऊपर से कौन सा बताया, ऊपर से इसका 14 नंबर का स्थान है, तो नीचे से मुझे उसी का यानी उसी आकाश का स्थान मुझे यहां पर बताना है, यानी ये वाला स्थान हमको यहां पर बताना है, तो यहां समझो मैंने 83 में से 14 को मैंने क्या कर दिया माइनस, तो बचा कितना 69, तो भैया मुझे बताओ मैंने विजय को भी तो यहां से माइनस कर दिया ना, तो विजय को क्या कर दिया माइनस, तो विजय को वापस जोड़ना पड़ेगा ना, तो प्लस क्या कर दो हमेशा यहां पर 1, तो कौन सा स्थान होगा तो 70वां स्थान होगा, कौन सा होगा तो 70वां स्थान। एक माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, जोड़ना है ना, माइनस थोड़ी करना है। टोटल स्टूडेंट कितने यहां से 83 स्टूडेंट हैं,
हमको विजय से यहां तक का स्थान हमको पता है कि भैया विजय ऊपर से 14 नंबर पर बैठा है, तो मैंने क्या करा 83 में से 14 घटाए कितना बचा 69, तो मुझे बताओ मैंने यहां से यहां तक विजय को भी तो क्या कर दिया माइनस कर दिया ना, विजय को भी हटा दिया मैंने, लेकिन विजय को तो मुझे क्या करना है लेना है, तो वापस विजय को क्या कर लूंगा यहाँ पर जोड़ लूंगा, तो स्थान कितने 69, तो ये और एक हो जाए कितना स्थान होगा 70वां स्थान। अब क्लियर है क्या? अगर तुम विजय को घटा दोगे, विजय को घटा दिया हमने, बड़ी विडंबना है, कोई विडंबना नहीं, काय की विडंबना है, देखो इधर वापस आ जाओ, घबराओ मत, है ना, नहीं आ रहा समझो कोई समस्या नहीं है, देखो एक तरीका, तरीके कई सारे अपने पास, चिंता मत करो, देखो वापस आ जाओ इधर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 83, तो 83 क्लियर। अब विजय का स्थान ऊपर से यहां पर नंबर है कौन सा 14, हमको नीचे से यहां तक स्थान बताना है, तो देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीकों अलग अलग तरीके बताओ, दोनों समझो, पहले मैं एक तरीका बता रहा हूं, या तो क्या करो 83 में से टोटल 14 को घटा दो, तो घटा दिया कितना बचा 69, ये 69, ये 69 लोग कौन है, मैंने यहां से लगाकर जब मैं यहां से यहां तक के स्थान घटा दूंगा, यानी विजय को भी मैंने घटा दिया, तो ये नीचे कितने बचे हैं 69, ठीक, तो विजय भी गया, लेकिन मुझे विजय का तो स्थान नीचे से उसका क्रम पूछा है, नीचे से उसका स्थान हमसे पूछा है, क्यों नहीं गिनना पड़ेगा जी? क्लियर है? अरे यार कैसे बात कर रहे हो तुम लोग, देखो वही तो गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, समझो यहां पर, देखो टोटल लोग यहां पर कितने हैं भाई, टोटल लोग है 83, ऊपर से ये विजय यहां पर बैठा है 14 नंबर पर, तो मैंने 83 में से 14 यानी इसको विजय को भी मैंने क्या कर दिया माइनस, तो इसके नीचे कितने स्टूडेंट बचे 69, ये 69 स्टूडेंट वो लोग हैं जो विजय के नीचे बैठे हैं, कितने लोग हैं जो विजय के नीचे कितने लोग बैठे हैं 69, लेकिन हमको विजय का भी बताएं, तो विजय के नीचे 69 बैठे हैं, तो 69 तो वो और एक खुद विजय, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 70 स्टूडेंट हो जाएंगे ना, ये कितने होगा यहाँ पर 70 स्टूडेंट, क्लियर है? हाँ टोटल में से, हाँ तो वो भी कर सकते हो ना, मैंने वही तो तरीका बताया था पहले, या ये कर लो ये तरीका ये सबसे अच्छा है, या ये कर लो कि टोटल स्टूडेंट कितने 83, ये 83, एक और दूसरा तरीका आप समझो ध्यान से, टोटल स्टूडेंट 83 है, तो मुझे बताओ विजय ऊपर से 14 नंबर पर बैठा है, हमको नीचे से विजय तक का स्थान बताना है, तो विजय ऊपर से 14 नंबर बैठा है, तो इसके ऊपर कितने बैठे, तो इसके ऊपर कितने लोग बैठे होंगे 13 लोग बैठे होंगे ना, तो 83 में से या तो क्या कर दो 13 घटा दो, तो भी 70 ही तो बच रहा है। हाँ ये भी कर सकते ना, मैंने पहले क्वेश्चन में यही तो पहले बताया था तुम लोगों को, दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बताया, या तो 83 में से विजय के ऊपर कितने बैठे 13 लोग, उनको घटा दो तो भी आंसर कितना आएगा 70, या 83 में से टोटल घटा दो कितना 14, तो 83 में 14 गया तो 69 बचा, हम विजय को फिर से जोड़ दो तो 69 और एक क्या हो गया 70, ऐसा कर लो। या देखो अब वापस आ जाओ पहले वाले क्वेश्चन एक बार और मैं बता रहा हूं, घबराओ मत इससे, ठीक है, चलो देखो, चिंता काहे मत करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत लो, देखो कोई बात नहीं, देखो क्या बोला, वापस पहले वाले क्वेश्चन पे, देखो टोटल स्टूडेंट कितने 72, ये टोटल स्टूडेंट कितने 72, दो तरीके बता रहा हूं, दोनों तरीके समझो, 72 छात्रों के समूह, आकाश का स्थान नीचे से 42, यानी ये यहां पर कहीं पर बैठा है 42, ये 42वां स्थान, समझो बिल्कुल ध्यान से, हाँ कोई बात नहीं, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देख लो, कुछ नहीं बिगड़ रहा अपना, देखो यहां से ये वाला स्थान कौन सा है 42, यानी ये किसका स्थान है, आकाश का स्थान कौन सा है 42 वाला, तो मुझे बताओ हमको ऊपर से यानी यहां से तो यहां तक का स्थान क्या करना है बताना है, आकाश को बताना है, तो या तो क्या करो इस टोटल 72 में से आकाश के नीचे कितने बैठे हैं 41, इसके नीचे कितने बैठे 41, तो या तो 41 को तुम क्या कर दो माइनस, तो 72 में से 41 गया है तो कितना बचेगा 31, यानी इसके ऊपर कितने लोग बैठे 31, चिंता चिटा का कारण बन सकता है, तो क्यों बन सकता है समझो ना, गड़बड़ कैसे होगी, अरे मैं बैठा हूं चिंता काय कर रहे हो यार, नहीं आएगा समझ में 10 बार समझूंगा उसकी चिंता छोड़ो तुम लोग,
है ना, ऐसा नहीं कि ये पल्ले नहीं पड़ा तो आगे बढ़ जाएंगे, इतना मुझे खत्म नहीं करना है, है ना, समझोगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। चाहे क्वेश्चन में चाहे 10 मिनट लगे 15 मिनट लग जाए, लग सकता है, कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आप पहली बार पढ़ रहे हो उसमें समस्या आती है, तो चिंता काहे मत करो, सचिन सर तुम्हारा साथ में अभी फिलहाल, है ना, जब तक तुम साथ में रहना चाहते हो। देखो एक तरीका तुमने ये बता दिया, अगला देखो कि टोटल स्टूडेंट सर 72 है, ये 72, ये स्थान कौन सा 42वां। देखो तो या तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि टोटल जो 72 है ना, इसमें से 42 को सीधा सीधा माइनस कर दो, बचा कितना 30, ये बचा 30। तो मैं यहां क्या कर, जब मैं 42 को माइनस करूंगा तो मैंने आकाश को भी क्या कर दिया, माइनस, यानी आकाश का भी स्थान यहां से हटा दिया। तो आकाश को जब हटा दिया तो बचे कितने छात्र यहां पर, 30। तो मुझे क्या बोला भाई, आकाश को तो बिठाओ ना, तो आकाश को फिर जोड़ दो, तो प्लस 1 31, ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है, आप क्लियर है अरे भाई बंधु, घबरा जाते हो रे तुम लोग, चलो है ना। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, करो क्या पहले समझ लो इसको। देखो क्या बोला है, संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से तो कौन सा है, चौथा वाला, और नीचे से कौन सा, 41 वाला। ऊपर से देखो, संजय का स्थान ऊपर से चौथे स्थान पर बैठा है और नीचे से 41वें स्थान पर बैठा है, तो बताना है कि कुल कितने छात्र यहां पर हैं। तो पहले समझ लो, देखो ये एक वर्ग है, ये कोई वर्ग बना है ऐसा, इसमें संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा है, ऊपर से संजय यहां पर बैठा है, कौन है बैठा, संजय, ये संजय बैठा है, तो ऊपर से यहां ना, ऊपर से बैठा है कौन से, चौथे वाले नंबर पर, और संजय का ही नीचे से स्थान कौन सा, 41 वाला, ये 41 वाला, ठीक है, हाँ 45 वाले आओ इधर। देखो संजय का स्थान ऊपर से चौथा और नीचे से कौन सा, 41 वाला। तो मुझे ये बता दो यहां पर एक ही लड़का कौन है, संजय। देखो मैंने एक क्लास में ये बोला किसी को कि एक काम करो तुम ऊपर से गिनो, और एक को बोला कि तुम नीचे से गिनो, तो एक लड़का ऊपर से गिनते गिनते आ रहा है, कहां से गिनते गिनते, नीचे से, तो नीचे वाला जो आ रहा है वो बोल रहा है सर मैं संजय तक आया था, संजय का स्थान कौन सा आया था, 41 वाला, है ना। मैंने बोला संजय का स्थान नीचे से कौन सा, 41, और एक लड़का जो ऊपर से जो गिनते गिनते वो बोल रहा है कि मैंने संजय को जोड़ा कौन से, चौथे स्थान पर, तो इन दोनों ने संजय को जोड़ लिया है क्या। देखो दोनों को जोड़ो तो 41 और ये 4 कितना हो गया यहां पर, 45, तो टोटल कितना, 45 आया। लेकिन लेकिन समझो ध्यान से, यही तो गड़बड़ है, जो 45 बता रहे हैं वो देख लो एक बार। तो देखो 41 और 4 जोड़ा, 45 जोड़ लिया मैंने, अब यहां पर नीचे से भी संजय का ही स्थान बोला और ऊपर से भी संजय का स्थान, तो संजय के स्थान यहां पर दो बार बोल दिए ना हमको, संजय के स्थान कितनी बार बोल दिए, दो बार, तो एक बार उसका स्थान क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, संजय का नाम मैंने दो बार लिख लिया है तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, आंसर कितना आएगा, 44। यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 44 स्टूडेंट है, ठीक है, आप क्लियर है, अच्छा हाँ अब क्लियर है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोला है, अब पढ़ो वाला ये अगला क्वेश्चन। देखो लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, हाँ ये सेम क्वेश्चन अगला वाला भी, इसको करो। देखो लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने लड़के, ये वाला बता दो दोनों छोरों से ना, ऊपर से भी वह 18वें स्थान पर बैठा है और नीचे से भी वह 18वें स्थान पर बैठा है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ध्यान रहे कुछ मत करा करो, जब भी क्वेश्चन बोलेंगे ऊपर से स्थान 10वां, नीचे से 5वां, ऊपर से 13वां, नीचे से 14, कुछ मत करो, दोनों जो भी एक व्यक्ति के दो दो स्थान दोनों को जोड़ लो और एक माइनस कर दो, इसके अलावा कुछ मत करो। 35 36 35 35, बहुत बड़े, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये तारक का बोला है कि तारक जो है, ये तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वें, यानी ये नीचे से भी 18वें स्थान पर है और ऊपर से भी 18, ये बोला ना तारक है, तो इसका नीचे से भी स्थान कौन सा है, 18वां स्थान,
और ऊपर से भी इसका स्थान कौन सा 18वां। तो मुझे बताओ तारक के दो दो स्थान दिए ना, ऊपर से भी दिया है और नीचे से भी दिया है, तो दोनों को जोड़ लो, 18 और 18 कितना हो गया 36, या 18 और 18 कितना हो गया 36। ठीक, तो तारक के कितने, नीचे से भी 18 और ऊपर से भी 18, तो तारक के कितने स्थान हो गए 2, तो एक स्थान यहां से माइनस कर दो। तो दोनों को जोड़ने के बाद एक को क्या कर दो माइनस, यानी कितने स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने भैया यहां पर 35। ठीक है, हाँ 35 है, 35 बहुत बढ़िया। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो बोल दो एक बार, वरना मैं आगे बढ़ू। कुछ हो ऐसे तो स्पष्ट बोलो कि हमको सर ये पल्ले यहां नहीं पड़ा है, तो हम आगे एक बार और बढ़ जाएंगे, कोई समस्या नहीं। हाँ ऐसे सवाल आएंगे ना तुम्हारे लिए, आगे चलो सर, बिल्कुल बिल्कुल यही पूछ रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो मतलब क्लियर है यहां पर। अगला वाला देखो, ये वाला पढ़ो, क्या बोला, लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से 7वें स्थान पर है, श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर है तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, बता दो फटाफट, 25 24 2 या 26 बता दो। शानदार क्वेश्चन, बताओ भाई क्या आएगा, कोशिश करो। बढ़िया क्वेश्चन है, करो भाई। लोगों की एक पंक्ति में मनु जो है वो नीचे से तो कौन से 7वें स्थान पर है, और जो श्रेय है वो मनु से कितने 10 स्थान ऊपर है। ठीक है भाई, 24 आ रहा है किसी का, ठीक है देखते हैं आंसर क्या आएगा। 24, बढ़िया, ठीक है 25, 23, 23 तो ऑप्शन में नहीं है, 25, पच्चीस चौबीस, देखो भाई आ जाओ। क्या लोगों की पंक्ति में मनु, देखो दो चीज समझ लो फिर मैं बताता हूं आपको। पहली बात देखो, जिसका 25 आ रहा है जिसका 24 आ रहा है, तो अंतर क्या गड़बड़ हो रही तुम लोगों की वो इधर समझो। देखो अगर यहां समझना, अगर मैंने बोला कि मैं मुझसे, यानी बोला समझना, एक एग्जांपल समझना, मैंने बोला मेरा नीचे से स्थान कौन सा है 10वां, है ना, मेरा नीचे से स्थान कौन सा है 10वां, और क्या बोला जैसे मतलब श्रेय मनु 10 स्थान ऊपर, अगर 10 स्थान ऊपर है तो इसका स्थान मेरे से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां, ये स्थान होगा इसका 10वां। लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि देखो यहां बोला मनु से श्रेय का स्थान 10 स्थान ऊपर है, अगर ऐसा बोले मनु और श्रेय के बीच में 10 लोग हैं तो वो बात अलग हो जाती। मनु और श्रेय के बीच में 10 लोग, यानी इन दोनों के बीच 10 लोग बैठे हैं, ये बात है। तो यहां पर देखो इसको समझते हैं अपन, इस क्वेश्चन को देखो, ये एक पंक्ति बना दी मैंने, यहां पर एक पंक्ति बनाते, देखो क्या बोला है, लोगों की पंक्ति मनु, ये मनु हो गई, मनु नीचे से, तो मनु नीचे से कौन से स्थान पर 7वें स्थान है, मनु नीचे से 7वें स्थान पर है मनु, ये हो गई मनु 7वें स्थान पर। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, यानी कौन सा स्थान है इसका 10वां, मनु श्रेय से 10 स्थान ऊपर, यानी देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और ये 10वां, यानी 10वां स्थान किसका है, तो ये किसका स्थान रहेगा आपका, श्रेय का। देखो तो इनके बीच मनु और श्रेय के बीच कितना लोग है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां स्थान किसका, श्रेय का। लेकिन अगर देखो, अगर ये हमको बोलता कि श्रेय तथा मनु के बीच में 10 लोग हैं, तो मैं श्रेय को फिर यहां से उठा के कहां बिठा देता, मैं यहां पर, कि भाई 10 लोग बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
लेकिन ध्यान रहे उसने बोला क्या, समझो इस चीज को कंफर्म करो, ये बोला है कि मनु श्रेय जो मनु से 10 स्थान ऊपर है, तो 10 स्थान ऊपर है इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि भैया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा और दसवा, ये दसवा स्थान किसका है, श्रेय का है। अगर ये बोलता कि मनु और श्रेय के बीच में 10 लोग है तो हम बीच में कितने लोग बिठाते, 10 दस स्थान ऊपर है, और यदि श्रेय ऊपर के छोर से आठवें स्थान पर, ये ऊपर के छोर से कौन से स्थान पर भैया, आठवें स्थान पर, तो ऊपर के छोर से कौन से स्थान पर, आठवें, तो ये आठवें स्थान पर है, आठवें स्थान पर, ठीक। देखो तो 7 लोग तो यहां तक हो गए, मनु तक 7 लोग तो ये हो गए, इनके बीच में कितने बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं यहां पर, 9 लोग, तो ये 9, और ऊपर से उसका स्थान कौन सा, आठवां, तो ये आठवां, कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना होगा, 16, 16 और 8 कितना होगा, 24, यानी टोटल कितने सदस्य होंगे यहां पर, तो 24, 24, 26 नहीं आएगा, 24 कौन सा आएगा, चूज देख लो एक बार और, देखो नीचे से इसका स्थान कौन सा, यहां पर कौन सा है, 7वां स्थान, ये तो मनु हो गई। फिर बोला है कि मनु के ऊपर 10 स्थान किसके हैं, 10 स्थान ऊपर कौन है, श्रेय, तो 10 स्थान ऊपर यानी 10वां स्थान किसका होगा, श्रेय का, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा, ये 9वां और ये 10वां स्थान किसका होगा, श्रेय का। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यह बोलता, क्या बोलता कि मनु और श्रेय के बीच में 10 लोग हैं, तो मैं फिर यहां पर एक व्यक्ति और बिठा देता, लेकिन यहां पर 10वां स्थान ऊपर है और ऊपर से कौन, 8वां, तो यहां से यहां तक कितने हो गए, 8, तो ये हो गए, और ये वाले कितने बैठे बीच में, 9, ये हो गए, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17, और ये 7, ये तो 17 और ये 7 कितने हो गए, 24, यानी क्या आएगा, 24, ठीक है, अपना बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना, कोई समस्या नहीं है, बस तुम गलती ये करते हो, तुम पहले से करने लग जाते हो, थोड़ी चीजें समझ लो उसके बाद करो, है ना, पहले थोड़ा समझ लिया करो उसके बाद करा करो, है ना। चलो अगला वाला देखो, अब यहां पर देखो, अब ये क्वेश्चन उसमें अंतर देखो, क्या बोला है, पढ़ो एक पंक्ति, पहले समझ लो पूरा क्वेश्चन उसके बाद सभी लोग करना। एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं। अब देखो यहां पर बोला है ए तथा बी के मध्य में, यानी कि बीच में 6 लड़के बैठे हैं, है ना, ये समझो पूरा। ए तथा बी, देखो ए और क्या बोला बी, ये ए और बी इनके बीच में यानी मध्य में 6 लड़के बैठे हैं, तो 6 लड़के मैंने बिठा दिए। ए और बी के बीच कितने लड़के, 6। तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, तो ए ये पंक्ति में कौन सा लड़का है, सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग वन बैठा है, ए बैठा है, लड़का है। फिर बोला बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के, देखो बी और सी, ये बी और सी के मध्य में कितने लड़के हैं यहां पर, 3 लड़के, तो 3 ये बिठा दी मैंने। ए और बी के मध्य में 6 लड़के हैं, बी और सी के मध्य में यहां पर 3 लड़के हैं। फिर क्या बोला, यदि सी के पश्चात 12 लड़के हो, सी के पश्चात कितने हैं, सी के पश्चात यानी क्या होता बाद में, यानी सी के बाद में कितने लड़के बैठे हैं, 12, तो सी के पश्चात 12 लड़के हो, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के यहां पर हैं, तो बस खत्म। देखो ये कितना हो गया 12, ये 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, ये 17, ये 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो भैया यहां पर 24 है, यानी ऑप्शन कितना आएगा, 3rd वाला। ओके, हेमंत पांडे का आया आंसर 24, ठीक है। ये वाला मध्य का मतलब होता बीच में, यानी बीच में बैठा है, ये स्पष्ट बोलेगा यहां पर कि मध्य में यानी उनके बीच में बैठे हुए हैं। ओके चलो बढ़िया, अब सही आया है। चलो ये वाला करो, एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, नींबू का वृक्ष दाएं यानी राइट हैंड से, यानी राइट से कौन सा है, देखो ये राइट में है ना, राइट से कौन सा है, राइट मतलब दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है, यानी लेफ्ट से उसका स्थान क्या है। एक पंक्ति में कितने 45 वृक्ष हैं,
नींबू का वृक्ष बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से कौन सा है? दाएं से 20वां है तो बाएं से कौन सा होगा? ऐसे कौन सा सिंपल सा है, 45-20 गया कितना बचा? 25-26 आएगा, करो देखें तुम्हारा क्या आता, 25 आ रहा, 26 आ रहा, ऑप्शन नंबर थर्ड 25, क्या रहे शिव कुमार गलत कर दिया, 25 भयंकर गलत, 24 और गलत, ओहो 25, करो देखे करो 24, 26, 25, 27 देखते हैं क्या आता है। छब्बीस, देखो मेरी बात समझो, तुम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो अब थोड़ा इधर ध्यान रहो पूरे इसमें, बायां दायां बोला तो ऐसा बना दो बायां दायां, पूरा इधर देखो, सब छोड़ दो, कॉपी सब बंद कर दो, यहां पर समझो पहले, गड़बड़ मत करो, है ना, सिंपल से क्वेश्चन है, तुम गड़बड़ करोगे मजा नहीं आएगा। हाँ देख लो 24, 26 जो देखो, है ना, 26 आता क्या आता, 24 नहीं आएगा। चलो आ जाओ इधर, मैंने तुमको क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखो, इस ये पंक्ति है टोटल, ये कौन सा हो गया इसका बायां, है ना, इधर क्या होगा लेफ्ट हैंड होगा, है ना, इधर क्या होगा मेरा लेफ्ट हैंड, और इधर क्या होगा दायां, यानी इधर क्या होगा मेरा राइट हैंड, ये दायां है ना राइट हैंड। अब समझो तुम, मैं तुमको प्लस करने का बोला है, तुम सब घटा रहे हो, दिक्कत वहां आ रही है, तो थोड़ा समझो, 25 भी नहीं आएगा। देखो इधर बाएं छोर से देखो क्या बोला है, 45 वृक्ष टोटल कितने, टोटल कितने 45 पेड़ यहां पर हैं। अब वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर, यानी यहां से यहां तक का स्थान दाया यही है, यहां से नींबू का पेड़ कहां पर है, यहां पर ये नींबू का पेड़ यहां पर है 20वें स्थान पर, है ना, 20वें स्थान पर। अब समझना ध्यान से, देखो टोटल पेड़ कितने 45 पेड़ हैं, मुझे यहां से इधर का जो स्थान पता है कौन सा 20, लेकिन मुझे यहां से इस नींबू के पेड़ का स्थान बताना है, इसको माइनस नहीं इसको मुझे लेना है। तो देखो दो तरीके हैं, पहला बता रहा हूं, इधर से स्थान बता, टोटल हमको बता टोटल वृक्ष 45 है, ये यहां से कौन से स्थान पर है 20वें स्थान पर, मुझे होता है इसके पीछे इधर कितने पेड़ होंगे, तो आप बोलो सर इसके पीछे इधर कितने पेड़ होंगे, 19 पेड़ होंगे, है ना, कितने पेड़ होंगे 19, तो देखो 45 में से 19 घटा दो तो कितना बचेगा यहाँ पे 26, यानी कितना बचेगा 26। या तो एक तरीका ये वाला है जो सिंपल है, यहां से मुझे ये वाला पेड़ लेना है, इसको हटाना नहीं है, इस नींबू के वृक्ष को मुझे लेना है, यहां से यहां तक पेड़ बताना, तो इधर से कौन से नंबर पे 20 नंबर पे, तो इसके पीछे पेड़ कितने होंगे, यहां से 1, 2, 3, 4 करके कितने होंगे यहां पर 19 पेड़, तो इसके पीछे वाले सारे पेड़ों को अगर मैं घटा देता हूं 19 पेड़ों को, तो यहां से यहां तक नींबू तक के पेड़ बचेंगे कितने बचेंगे 26। एक तरीका तो ये वाला है। अगला मैंने आपको ये बोला है कि देखो टोटल पेड़ कितने हैं 45, या अगला तरीका करना चाहो तो ये कर लो, टोटल पेड़ कितने यहां पर 45, इस 45 में से नींबू का जो वृक्ष है कौन से नंबर पे 20 नंबर पर, तो इसको घटा दिया, 45 में से 20 गया तो कितना बच रहा है 25। अब समझो ध्यान से, टोटल पेड़ कितने हैं 45, में से नींबू का वृक्ष उधर से कौन से नंबर पे 20वें स्थान पर है, तो 20 मैंने घटा कितना बचा 25। तो देखो मैंने यहां से नींबू का पेड़ भी क्या कर दिया माइनस, लेकिन मेरे से पूछा है यहां पे कि नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से इस इधर से स्थान बताना था नींबू का, मैंने तो क्या कर दिया घटा दिया, तो उसको फिर से जोड़ दो, तो क्या कर दो प्लस वन, घटाओ मत जोड़ो, घटाना नहीं क्या करना है जोड़ना है, कितने पेड़ होंगे तो 26, 26 होंगे। अब क्लियर है क्या, जो 24 बता रहे हैं 25 बता रहे हैं वो लोग इसको देखो एक बार, मैं दो दो तरीके तुम लोगों को बता रहा हूं, एक नहीं बता दो दो बता रहा हूं। रवि बंसल, शिव कुमार परिहार, अब सही है क्या भाई, समझ में आ गया, आ गया पक्का समझ में, फालतू में हां मत करना है, जो फालतू में हां करे उसकी विद्यारणिक के समय ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, हाँ बस वही जानना चाह रहा था, ठीक 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 कोई बात नहीं, है ना, तो क्लियर करो
डाउट नहीं रहना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए ना। चलो ये वाला और बना दो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर कल करेंगे। ये वाला बता दो फटाफट स्पीड से कि लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। लाजवाब समझाते हो तो तुम समझते कहां हो। तरीके कई सारे रीजनिंग में, लेकिन आपको वही बता रहा हूं जो इजी है, जो आपको इजी पड़े। बताओ इसका आंसर। लड़कियों की कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। सिंपल सा 11 दुना 21 कर दो, क्या आ जाए 11 दुना 22, एक कम कर दो तो 21 आंसर। वेरी गुड, बढ़िया। और क्या, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो जब भी ऐसा बोले ना दोनों तरफ से स्थान बताएं, ये तो अरे मुखाग्र इनमें पेन चलाने जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब क्या करो, तुम प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आए। देखो दोनों छोर ऊपर से भी 11, नीचे से भी 11, ऊपर से भी 11 ने नीचे से भी 11, ये 11 11 ये कौन है, तो ये यहाँ बैठी कौन सी देवी है, तो ये प्रिया देवी यहाँ पर बैठी है। ऊपर से भी 11वें स्थान पर है ने, नीचे से भी कौन से स्थान पर है, 11वें। तो बताना टोटल कितना, तो 11 इस प्रिया के स्थान। देखो 11 और 11 कितना होगा, 22 यानी 22। लेकिन प्रिया को मैंने कितनी बार जोड़ लिया, दो बार, तो एक बार माइनस कर दो, तो माइनस क्या कर दो, 1। तो ये प्रिया देवी कितनी, तो स्टूडेंट कितना होंगे इसकी क्लास में, टोटल 21 स्टूडेंट होंगे, है ना। ठीक है, चलो तो ये दो क्वेश्चन है, ये देख लो, या आपको कल बताना है इनके आंसर, है ना। एक तो ये वाला बताना है और एक आपको ये वाला बताना है, ठीक है, देख लो इनको। चलो क्लियर है यहां तक, अब आगे की क्लास पढ़ेंगे हम लोग कल, है ना, बाकी का देखेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चले, चलो, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।